हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको ढोल की लूप्स पैक देने वाले हैं सभी बीपीएम का। जैसे कि 80 बीपीएम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 85 बीपीएम, 100 बीपीएम, 110, 115, 120, 125 बीपीएम में आपको हार्ड ढोल की लूप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस फाइल में पासवर्ड लगा है, अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होगा नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम आपको वीडियो के कहीं पर भी, वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के बीच में ही हम इसका पासवर्ड बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो लूप्स दिया हूँ आपको, उसको अगर आप बनाना चाहते हैं उस तरह का, तो लूप्स आप उस तरह का बीट कैसे बनाएंगे, ढोल की लूप्स जो बीट है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 85 बीपीएम सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 85 बीपीएम से ही स्टार्ट किया उस लूप्स को। तो मेरा 85 बीपीएम सेट हो चुका है, और यहाँ पे मैं एक किक ले लूँगा, फिर यहाँ पे मैं इसको डाल करके यहाँ पे फिर राइट क्लिक करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे फोर स्टेप कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा बीट यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ परक्यूशंस लगाना है, जैसे कि हिट हैट है लगा सकते हैं, क्लेप्स का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ हेट जो परक्यूशंस होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक घुंघरू लगाएंगे, ठीक है, जो इस तरह का, जो अगर आप बीट बना रहे हैं स्लो मोशन में तो घुंघरू की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपका जो बीट होता है और भी अच्छा यहाँ पे लगने लग जाता है, अगर आप 100 बीपीएम के नीचे स्लो बीट बनाना चाहते हैं तो। तो बाकी का मैं यहाँ पे पार्ट काट दूँगा, आप इसको सुन सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से बजेगा। अब यहाँ पर हम ढोल लूप्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ढोल लूप्स है या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पैक है ढोल लूप्स का, वहाँ पे हम देखते हैं। वहाँ पे मेरे पास 80 से लेकर 85 बीपीएम, 120 बीपीएम, मैंने कि बहुत तरह का है वहाँ पे लूप्स हमारे पास है। तो यहाँ पर बहुत सारा हमारे पास लूप्स है। धीरे धीरे करके मैं इसी तरह से आपको लूप्स देता रहूँगा, जो मैं बनाऊँगा वो लूप्स आपको इसी तरह से देता रहूँगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे लूप्स है। तो ये वाला है, तो हम इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा तीन बिल्कुल मैच है, ठीक है, तीन लेयर तक ये मैच है। तो मैं इसको तीन में ही कर दूँगा, ये फालतू का मैं यहाँ पर हटा दूँगा, या फिर आगे आप पार्ट बना सकते हैं। तो इसको हम चलिए वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फिर इसको सुनते हैं, फिर मैं आगे और भी बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बजेगा आपका जो बीट है, इस तरह से बन जाएगा ढोल के लिए। उसमें इसी तरह का मैंने वहाँ पे बीट बना करके आपको दिया हूँ। और भी यहाँ पे अगर मिक्स करना चाहते हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक जो भोजपुरी बीट जो बजता है सबसे अच्छा, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। ये वाला आप सुने होंगे बहुत सारे गानों में, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। और ये इस तरह से हम जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से कर देना, वॉल्यूम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, ये इस तरह से बजेगा दोस्तों। तो हम इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम सुन लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो 80 बीपीएम का जो ढोल की लूप्स है वो दोस्तों बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप इससे ऊपर बीपीएम का, यानी कि 85 बीपीएम, 86 बीपीएम, 88 बीपीएम, 90 बीपीएम का बीट कैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी 85 बीपीएम का है। अगर आपके पास 85 बीपीएम नहीं, तो दोस्तों 80 बीपीएम को ही आप मैच करा सकते हैं। आप ढोल की लूप्स मैच कैसे कराना है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि लूप्स को मैच कैसे कराते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, तो अगर आपके पास 80 बीपीएम का है तो आप उसको 85 बीपीएम, 87 बीपीएम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लूप्स मैच कराना नहीं जानते हैं तो आप मैच नहीं करा सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो है 85 बीपीएम का यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। ये हो गया हमारा 85 बीपीएम। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 86 बीपीएम का, ठीक है दोस्तों। मान लेते कि कोई अगर आप ट्रैक बना रहे हैं 86 बीपीएम का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 86 बीपीएम कर लेंगे, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब इसको हम एक लेयर आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा मैच भी हो चुका है, ठीक है। अगर आपका 85 बीपीएम
है। तो दोस्तों आपका 86 BPM भी बन चुका है। मान लेते हैं कि आपके पास 85 BPM का है, 86 BPM का नहीं है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, जैसे मैंने मैच कराया हूँ उसी तरह से आप कर सकते हैं, मैच इसको करा सकते हैं। जैसे कि 88 BPM का है, अब इसको हम यहाँ पे ले आने के बाद में दो लेयर में कर देंगे तो हमारा 88 BPM का बन जाएगा। इसको हमें लूप से यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने 86 BPM को ही यहाँ पे 88 BPM यहाँ पे कर दिया हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है बीट बना सकते हैं 88 BPM का। यहाँ पे है और भी यहाँ पे BPM है, जैसे कि 90 BPM है, 95 है और 100 BPM है, 110 BPM है, 120 है, 125, 130, 135। आप यहाँ पर रखने के बाद में आप अपना बीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पे मैंने बहुत नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और उसका पैक भी मैंने आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पैक है, इस पैक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड लगा था, शायद आपको पासवर्ड पता चल गया होगा, मैंने वीडियो में ही बता दिया हूँ पासवर्ड क्या है, देख दिखाया हूँ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।